अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीवा. एडमिशंस ओपन नाउ. एड्रेस नियर बाईपास क्रॉसिंग रतहरा रीवा. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में. मैं हूं आपके साथ स्वाति. छात्र संगठन NSUI ने आज विभिन्न मांगों को लेकर TRS कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर दिया और गेट के सामने ही नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए. छात्र संगठन का कहना था कि छात्रों का रिजल्ट घोषित हुआ और उन्हें प्रमोटेड या ATKT कर दिया गया और ज़्यादातर बच्चों को 0 नंबर दिया गया, जिसके विरोध में आज छात्र संगठन ने जमकर हंगामा मचाया और कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर दिया. इस दौरान सैकड़ों छात्र गेट के बाहर कॉलेज जाने के लिए इंतजार में खड़े रहे. आपको बता दें, रीवा का ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय जो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है. यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के साथ कॉलेज प्रबंधन का गैर जिम्मेदाराना होना आए दिन आंदोलन को जन्म देता रहता है. आज फिर छात्र संगठन अपने हितों के लिए प्रबंधन से टकरा गए और कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर धरना शुरू कर दिया. दरअसल MSc फाइनल ईयर केमिस्ट्री के रिजल्ट घोषित होने के बाद 60 से ऊपर पाने वाले छात्रों को प्रमोटेड या ATKT कर दिया गया और कुछ छात्रों को 0 नंबर दिया गया. इस पर छात्र संगठन द्वारा आपत्ति करते हुए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कॉलेज द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया, जिस पर आज NSUI द्वारा कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर आंदोलन किया गया, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन छात्रों की मांग मानते हुए कॉपियों की जांच पुनः कराकर जल्द रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिए हैं. इस दौरान छात्र संगठन ने कई आरोप भी लगाए, जिनमें प्रमुख रूप से कॉलेज में लगे पंखे बंद होना और पानी की व्यवस्था नहीं होना, CCTV टूटे होना आदि चीजों के बारे में बताया, लेकिन प्रबंधन उनकी मरम्मत नहीं करा रहा है. आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के साथ ही ये शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, जो पूरे संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज जाना जाता है TRS कॉलेज, इसमें आज हम लोग विगत 11 बजे से धरने में बैठे हुए हैं इस नारे के साथ कि प्रचार मैडम बाहर आओ. प्रचार मैडम तब भी बाहर नहीं आई है. हमारी मांग ये थी कि सर, पिछले 5 महीने पहले MSc फाइनल ईयर का पेपर हुआ था, उसमें क्या हुआ, जब 5 महीने बाद पेपर हुआ, 5 महीने बाद रिजल्ट घोषित किया गया, जबकि अन्य वो जो छात्र है वो कहीं और एडमिशन लेके पढ़ने लगा, उसके बाद यहाँ का रिजल्ट घोषित किया गया. जब रिजल्ट घोषित किया जाता है तो उसमें क्या होता है, 70% से ज्यादा छात्रों को प्रमोटेड या ATKT कर दिया जाता है, मतलब उनको सप्लीमेंट्री कर दिया जाता है. जब हमारी मांग होती है कि ऐसे क्यों हो सकता है सर, जो छात्र 60-70% लाता था, 80% लाता था 10वीं 12वीं में, तो TRS में आते ही ऐसे क्यों फेल हो गया. तो मैडम ने क्या कहा कि किसी छात्र ने लिखा नहीं, आप भी पढ़े हैं, पत्रकार साथी भी पढ़े, पुलिस वाले भी साथी पढ़े, वो भी पढ़े, ये बताइए रैंकिंग में भी 5 नंबर मिलता है, यहाँ पर 0 नंबर दिया गया है और एक सब्जेक्ट में ही 0 नंबर दिया गया. मैं पूछना चाहता हूँ कि कॉपी कौन जांचता है. ये कॉलेज को ए ग्रेड की मान्यता प्राप्त थी कुछ दिनों पहले, जब से मैडम ने कारभार संभाला है यहाँ का ए ग्रेड की मान्यता हट गई. जिस दिन से प्रचार मैडम ने संभाला है, एक भी बेंच बैठने लायक नहीं है, आप मीडिया के साथ ही अभी जाकर देख सकते हैं, एक भी क्लास का पंखा नहीं चलता. मैडम सिर्फ और सिर्फ इतना अड़ी हुई है अपनी बातों पे कि कोई भी पंखा नहीं सुधारा जाएगा, छात्र टूटते हैं. आपने CCTV नहीं बनवा पा रही है भाई, छात्र क्यों नहीं डरेगा, छात्र टोड़ता है, अगर CCTV होगा डरेगा, कार्रवाई होगी तो नहीं होगा, छात्र उठदंड है, कुछ ऐसे होते हैं कार्रवाई, उसके बाद भी यहाँ कार्रवाई नहीं होती. प्रचार मैडम अपने बात में अड़ जाती है. या मैं ये कहना चाहता हूँ कि BJP की दलाली करना बंद कर दें और छात्र हित में निर्णय लेने के लिए हम मांग कर रहे हैं और बताना चाहते हैं, ये MSc का भी मुझे मिला है कि जांच की जाएगी. मैं 1 हफ्ते का फिर टाइम दे रहा हूँ, इसके पहले ज्ञापन भी दे चुका हूँ शांतिपूर्वक और आज तालाबंदी किया हूँ. अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम घेराव भी करेंगे और हो सकेगा फिर से भाजपा का पट्टा दे देंगे मैडम. इसके पूर्व भी आपने यहाँ पे तालाबंदी की थी, तब निर्णय नहीं हुआ था आपका? कुछ नहीं हुआ सर. ये अभी ये TRS कॉलेज संभाग की सबसे बड़ी कॉलेज आपको होता है, यह पानी नहीं है पीने के लिए, इससे बड़ी क्या बताएं आपको, आप चले जाइए अंदर, ये छात्र सब छात्र खड़े हैं, पूछ लीजिए अगर वास्तव में पानी पीने के लिए. पिछली बार भी आपने पहनाया था? निश्चित रूप से पहनाने जा रहे थे, यहाँ RSS कैंप चल रहे थे, मैं उसके लिए लगाए थे कि RSS के कैंप बंद करवाइए, अन्यथा NSUI भी कांग्रेस पार्टी का कैंप लगाएगी, क्योंकि किसी भी पार्टी या संगठन के लिए दलाली करना बंद कर दी. अभी हम लोगों ने कलेक्टर में ज्ञापन दिया था, मैडम ने सभी टीचरों को टारगेट दिया था शिवराज सिंह की रैली में, 50-50 सभी ये छोटी लेके जाएंगे. यहाँ योगा का टीचर नहीं है और 2 लाख की पेमेंट जा रही है, किसको जा रही है बताएं मैडम, किसको जा रही है. बायोटेक का कोई टीचर नहीं है, 200 एडमिशन हुए, कोई प्रोफेसर नहीं है, किस चीज की फीस दी जाए, कॉलेज में कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा,
हम लोग आज इन सभी मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए थे, 11 बजे से बैठे हुए थे। प्राचार्य मैडम को बता रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके छात्र हित में निर्णय ले ले। अभी आश्वासन मिला है कि कॉपी सबकी चेक होने जा रही है, यूनिवर्सिटी चेक होकर जल्दी परीक्षा परिणाम संशोधित कर घोषित किया जाए, और अगर नहीं होता घोषित हम लोग इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे, हो सकेगा तो हम लोग जेल जाने को भी तैयार है छात्र हित में। पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष नशे। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीवा। एडमिशन्स ओपन नाउ। एड्रेस: नियर बाईपास क्रॉसिंग, रतहरा, रीवा।